मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आप सुन रहे हैं जीवन बाबा के संस्मरण, महाराज जी के अनन्य भक्त जीवन बाबा। मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मैंने जीवन बाबा के दर्शन किए हैं। तो जीवन बाबा के पिछले अंक में मैंने बताया कि जीवन बाबा और महाराज जी एक भक्त के यहाँ भोजन पानी करके और किस तरह से छत से उतरे और वो वहां से भागते हुए आए एक कुटी पर, और एक कुटी पर आवाज लगाई माई, और माई ने खोला है दरवाजा। मैंने आपको दरवाजे पर रोकने के लिए कहा था, तो आप सुनिए दरवाजे पर खड़े होकर वहां क्या हुआ। माई ने ऐसे शिकायत की, तुम इतनी देर से आए हैं। महाराज जी बोले कि भाई देर हो गई, हमें बीच में रोक लिया था, हम तो उसी समय आना चाह रहे थे। बोले नहीं, तू आने ही नहीं चाहता था, अभी तक नहीं आया, अब बता, मैंने तेरे लिए रोटियां बना के रखी। ये तू तड़ाक की जो भाषा है ना महाराज जी बोला करते, और फिर आपस में एक और स्नेह का बंधन वहां पर दिखाई पड़ता कि एक बेटे और माँ में बातचीत हो रही है। तो क्या हुआ था कि बुढ़िया माँ ने वहां पर रोटियां चपातियां बना के रख ली थी, बिना कोई खोज संदेश, कोई संदेश नहीं था, कोई बात नहीं थी, और बस ये सोच के कि अगर महाराज जी आएंगे और रोटी का भोग लगाएंगे तो मैं खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। वो रोटियां चपातियां बनी हुई थी, वो लाई, उन्होंने कहा कि जा ला चपाती तो ला, रोटी ला। रोटी माँ माँ ने ला के दी, उन्होंने नमक से रोटियां खानी शुरू कर दी। इधर जीवन बाबा देख रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले मित्रा वहां व्यंजन पे व्यंजन खाए थे, और अब थोड़ी देर में यहां पर भी आ गए, और वो जो रोटी खा रहे हैं सूखी रोटी नमक से, वो ये लग रहा है व्यंजनों से भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। उन्होंने थोड़ा सा टुकड़ा जीवन बाबा को भी दिया, उसमें से बोले खा ले, तू खा ले, तेरे को अच्छी लगे तो खा ले, नहीं तो मैं तो ऐसी रोटियों के लिए हमेशा भूखा रहता हूं। महाराज जी कहते जा रहे हैं, माई महाराज जी के चेहरे की तरफ देखती जा रही हैं, और देखिए कहां रुके थे, कहां ठहरे थे, कहां से उन्हें भागना पड़ा, और फिर किस लिए कि महाराज जी के लिए वो रोटियां माई ने बना के रखी थी। उन रोटियों के लिए महाराज जी वहां से प्रथम मंजिल से उतरकर आए, चोरों की तरह भागे, और वो प्रेम पगी रोटियां ली। मित्रों आप जब कभी संकट में होते हैं, आप कहते हैं कि हम बड़ी प्रार्थना करते हैं, हमको ये नहीं हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मित्र कुछ भी नहीं, ये सब कुछ खेल है। आप इस चीज को समझिए और इस खेल को खेलते रहिएगा। सुख दुख साथी है हमारे जीवन के, आते हैं और जाते हैं, लेकिन एक बात अवश्य है कि आप अगर भगवान को पुकारेंगे, महाराज जी को आस्था विश्वास और समर्पण के साथ याद करेंगे, महाराज जी आप पर कृपा अवश्य करेंगे। ऐसे व्यंजन खाने के बाद फिर सूखी रोटी, उन व्यंजनों से भी ज्यादा अच्छी तरह खाना, कौन भगवान जानता है। और वो यही कहा करते थे कि मैं भक्त बनाता हूं शिष्य नहीं, और भक्त भगवान के होते हैं। तो मित्रों याद रखिएगा कि अगर आपने पुकारा है तो महाराज जी को आना है, आपने कृपा मांगी है आपको कृपा मिलेगी। जीवन बाबा के बहुत सारे संस्मरण हैं, मैं अगले एक नए संस्मरण के साथ फिर मिलूंगा अगले अंक में। तब तक के लिए राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।